Oh. तो जाओ पूजा जी जल्दी। पूजा इतने गाय को रोटी देके आ रही है। वेलकम टू द ब्लॉग गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं पूजा के मामा जी के घर, तो उनको मिलने जा रहे हैं हम लोग सोनीपत। ये देखो क्या ड्रामे कर रही है। आज से गाय भी रोटी नहीं खाती शायद। खा रही है? वो कैसे डर डर के दे रही है? और तेरी रोटी गिरा दी, देख लो। डरपोक। नहीं, तूने गिराई थी, डर के फेंकेगी। चल तू ये मास्क तो नहीं पहनेगी, और हाथ धो फटाफट, सैनिटाइज कर। हैं? तेरी मेरी तादी लड़ाई नहीं, बात तो हो जाएगी, मजाक नहीं। ऑलरेडी 1:30 बजा हुआ है यार। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स हेड टू सोनीपत। गाड़ी मुझे ही ड्राइव करनी है, सो यस लेट्स गेट टू इट। के बन गई तेरे गेल? मतलब क्या हुआ पूजा जी आपके साथ? कुछ नहीं। मतलब तो ऐसे पूछ रही है, मेरे से ज्यादा ठेठ हरियाणवी बोलती है और मेरे से पूछ रही है मतलब। व्हाट हैपेंड टू यू बेबी? आई एम नॉट फीलिंग वेल। जो कि पूजा के साथ नॉर्मल है यार। अब जाना सोनीपत है, मैं गाड़ी थोड़ी तेज चलाऊंगा ही। एग्जैक्ट 20 मिनट्स में मैं इसको NH1 पे ले आऊं गुड़गांव से। कितनी बड़ी बात है, वो भी इतने जाम में। तेज नहीं है, बहुत तेज है, चक्कर आ गए। ये लो जी, इनको भी कैमरा दिख जाता है ना, फिर ये रुकते नहीं, डांस करने लग जाते हैं। गलत बात है। क्या हो गया? और बात उल्टी की दवाई दिलवाए क्या? नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। और बात तब होती है ना जब एक को दे देते हैं और फिर वो ये हो जाए ना कि अरे ज्यादा दिए, तो वो दो चार को और बुला के लेके आती है। जब गैंग हो जाती है ना, सारी गाड़ियां छोड़ के आ जाते हैं। दो कर दो भैया, पानी वाले दो, पानी वाले रेट तो पूछ लो भैया। अरे क्या करेगी रेट पूछ के, 10 रुपए कम भी करवा ले कुछ हो जाएगा क्या? अरे उसका मैंगो का, मैंगो नहीं देख, अभी ये एक्सपायर्ड मैंगो है एकदम, ये देख, आउट ऑफ सीजन मैंगो खरीद के क्या करेगी? उस दिन पिया था मैंगो शेक, तूने परसों तरस उल्टी आ गई थी ना तेरे को। आनी चाहिए पूजा जी, सीजनल चीज है। सीजनल ही पी रही हूँ नारियल पानी तो ऑल सीजन है। वो वाला मीठा है, मिले मिले। हाँ, इसलिए मैंने आपका लिया है। हाँ, ये क्या है, नारियल आता है आदमी की फितरत देख के, अच्छे लोगों के लिए मीठा, बुरे लोगों के लिए कड़वा। हाँ? वाला ये तेरा है। ज्यादा मीठे हो ना तभी आपको मच्छर काटते हैं, मेरे को नहीं काटते। ये फीका है, मैं पी लूंगी। नहीं नहीं, ये इतना एक्टिंग करने की क्या जरूरत है, हर बार तो मैं पीता हूँ कड़वा है। वेलकम गाइस, वेलकम टू लडसोली। वी आर इन लडसोली राइट नाउ एंड द बफलोज आर हियर टू वेलकम अस। प्यारी प्यारी भैंसे हैं। पर मैं आज घर भूल गई हूँ, घर कहाँ पे है? घर नहीं, रोड। आगे से शायद ना राइट आएगा। अभी लोकेशन नहीं मांग सकती है लड़की ना इतनी देर। मुझे ये समझ में आया, हम ना आगे आ गए, आगे वाले रोड से, पीछे वाला जो रोड है ना उसमें सेंटर करना था। मेरे को सब पता है। क्या नाम है आपका? पृथ्वीशु। अरे वाह, कौन सी क्लास में हो बेटा? लॉकडाउन में सारे बच्चे घर आ रहे हैं ना, मौज में हो रहे हैं। मम्मा जी को ना पैरालिसिस हो गया था, तो अब काफी बेटर है। और मेरी मम्मी को भी ना पैरालिसिस हुआ था, अचानक ही होता और पता भी नहीं चलता कि क्या रीजन था क्या नहीं था। सारे टेस्ट हुए, सब कुछ, बस यही है यार, थोड़ा घूमते फिरते रहो और क्या है, जिंदगी कितने दिन की पता ही नहीं। जी बहुत अच्छी बात है कि आपका हाथ फिर से उठने लग गया। अब मेरी मम्मी को भी ना यहाँ पे गर्दन में दर्द हुआ, उसके बाद ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, तो उन्होंने मतलब ब्रेन में क्लोटिंग हुई थी गर्दन में, तो ब्रेन में खून की सप्लाई रुक गई। पहले वो लकवा लगा और उसके बाद फिर मतलब ठीक ही नहीं हुई। दूसरे तीसरे दिन तो उन्होंने बोल दिया, दो तीन विजु मैं बुआ, ये फूफा जी है ना। फूफा लागू बेटा, मैं तेरा फूफा।
मामा मैं बहुत तो कहूँ, नाना भी हूँ सुना है, लेकिन फूफा बेटा मैं पहला तेरा हूँ। सुबह सुबह कहता प्रतीक बुआ आएंगे। इसको प्रतीक बुआ इसका नाम ही भूल गया। बिना वेस्ट टाइम करे हम निकला जाए। भाभी जी देखती होंगी, ये हमारी जी कुकिंग में बिजी कर रखी है तुम सबने। ये हमारी इकलौती भाभी है, मैं बताती भी हूँ पूजा को कि इसमें ये अच्छा लगा या ये। बहुत टेस्टी राजमा चावल बने थे भाभी जी, मजा आ गया। अरे कहाँ से पास हुए आपके राजमा चावल? पूजा के राजमा चावल पास नहीं हुआ आज तक। हम पहले पूजा को बोलते थे इसकी शादी नहीं थी ना, ये कहती थी मुझे चावल इतने पसंद है, तो ये कहती थी दहेज में बहुत सारे चावल देने पड़े। और फिर आप ऐसे मिल गए कि आप मेरे से ज्यादा हो, और बहुत अच्छे हस्बैंड मिले, तू पूरा दिन चावल ही खाते रहते हो। असल में क्या होता है ना, हरियाणा में चावल इज नॉट अ प्रेफर्ड फूड, ज्यादातर लोग रोटियां गेहूं ये प्रेफर करते हैं। इसलिए तो हम लोग मिलने आए कि मामा जी को और थोड़ी एनर्जी दे जाएं, फिट हो जाएं। अच्छा मामा जी चले कहाँ नहीं, अब तो घर आए भागे और क्या भागे। इसमें सही में ये हमारे जाटों में बहुत चलता है भाई, गलत। चले विशु साथ चले, लग जाएगा मन तो कह रहा है, मन लग जाएगा, तैयार है जाने को। लॉकडाउन में बच्चे घर से बोर हो गए, कह रहा है साथ चलूंगा। हाँ बिल्कुल आएंगे मामी जी, विशु तो कह रहा साथ जाएगा। आजा विशु, आजा पूजू, साथ ले चलो इसको, साथ ले चलो, चलो क्या मेरे साथ, बीच में आपके मामा जी। चलो लॉकडाउन में सब चक रहे हैं घर से, लॉकडाउन में सब अपने घर से चके हुए हैं। बाय बाय। मामा जी से मिलाए। थैंक यू किस लिए भाई मेरी जान? आप लेके आए? नहीं यार, ये तो जरूरी था, इतना खुश हो गए मामा जी मिलके हमसे। बहुत ज्यादा ऐसे वेट कर रहे थे, वो भाई बता रहा था ना कि मामा वेट कर रहे हैं सुबह से, कब आएंगे वो लोग। इतना अच्छा लगा, इतना मजा आया सही में। और राजमा चावल तो सबसे टेस्टी थे भाभी के, है ना। चलो गाइस, आई हैव टू ड्राइव, सी यू ऑन द अदर साइड गाइस। इतना जाम था रास्ते में, मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को। और पूजा जी का तो आपको पता ही है, गाड़ी में इनको मोशन सिकनेस होती है, और आज जब से सिर पकड़ के बैठी हैं। पूजा जी, वो पूजा जी मेरे को नींद आ रही है। तो ठीक है, टेक केयर गाइस, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। मेरा पति मेहनत कर रहा है, प्लीज कर दो। मजे मत ले पूजा, बता रहा हूँ तेरे को। कर दो प्लीज, कैमरे की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं हो रही। चलो गाइस, टेक केयर, डू लाइक द वीडियो, डू कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब और यू गाइस कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, बोथ ऑफ अस।